प्यारे बच्चों बच्चों आज हम हमारी हिंदी निहारिका की बुक से करेंगे पाठ 8, जिसका नाम है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। ध्वज कौन सा होता है? हमारा तिरंगा झंडा, जिसे हम क्या बोलते हैं? ध्वज। ठीक है, तो देखिए हमारे देश का नाम भारत है। क्या है हमारे देश का नाम? भारत। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहलाता है, क्योंकि इसमें तीन रंग है। क्यों कहलाता है तिरंगा? क्योंकि उसमें तीन रंग है। कौन कौन से? केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया, सफ़ेद और हरा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है। शेप क्या है इसकी? रेक्टेंगल, आयताकार। इसकी लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। देखो इसकी एक साइड लंबी है और एक साइड छोटी है, तो एक साइड से ये 3 है और एक साइड से 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, 3:2 का अनुपात रहता है हमेशा ही। इसके 3 रंगों का अपना अलग अलग महत्व है, अपना विशेष महत्व है। सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया। केसरिया रंग जो है वो साहस, शक्ति और त्याग की भावना का प्रतीक है। साहस, हिम्मत, शक्ति और त्याग। त्याग मतलब किसी के लिए कुछ भी छोड़कर अपने देश के हित में काम करने के लिए उसकी भावना का प्रतीक है। ध्वज में बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी है। बीच में कौन सा रंग है? अब सफ़ेद। सफ़ेद रंग सत्य, शांति तथा पवित्रता की याद दिलाता है। झंडे के नीचे वाली पट्टी का रंग हरा है। यह रंग धन धान्य और संपन्नता का सूचक है। बीच की सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का एक चक्र है। ये देखो यहाँ पर एक चक्र है, गोल गोल चक्र है यहाँ पर। ठीक है, और इस चक्र का क्या नाम है? इस चक्र में 24 तिलियाँ हैं। इस चक्र को देश के महान सम्राट अशोक के स्तंभ से लिया गया है। सम्राट अशोक है, उनका एक स्तंभ है और जहाँ से हमने ये चक्र लिया है। चक्र अथवा पहिया, चक्र को और क्या बोलते हैं? पहिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो चक्र है, ये जो पहिया है, ये कैसा है? गतिशील होता है। यह चक्र हम भारतवासियों को आगे बढ़ते रहने का संदेश देता है। इस तिरंगे का इतिहास बहुत पुराना है। तिरंगा बहुत पुराना है। देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो भारतवासी थे, यानी कि जो भारत के नागरिक थे, भारत के लोग थे, वो तिरंगा झंडा लेकर आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे। आज़ादी की लड़ाई किससे लड़ते थे? अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया था, वो हमें भारतीयों को ग़ुलाम बनाकर रखते थे। तो उनसे हमें लड़ाई लड़ने के लिए जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो क्या लेकर जाते थे? तिरंगा झंडा। पहले हमारे तिरंगे में चक्र के स्थान पर चरखे का चिन्ह बना था। चरखा किसका प्रतीक है? महात्मा गांधी जी का ना। चरखा महात्मा गांधी को बहुत प्यारा था। स्वतंत्रता पाने के बाद इस झंडे को वर्तमान रूप मिला। राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर सार्वजनिक भवनों पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। राष्ट्रीय पर्व कैसे होते हैं? जैसे कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ठीक है, ऐसे ऐसे जो पर्व हैं वो राष्ट्रीय पर्व हैं। और सार्वजनिक स्थान कौन से हमारे? जैसे कि लाल किला है, और क्या है, और कौन सा सार्वजनिक स्थान है हमारा? और हमारा है जैसे कि हम वहाँ जाते हैं विधानसभा जाते हैं, ठीक है, दिल्ली में है ये सब, तो वहाँ पर भी हमारे क्या है? सार्वजनिक भवन है, जो उन पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस कब आती है? 15 अगस्त को आती है ना, जो अभी अभी हमने मनाई थी, उसको दिल्ली में लाल किले पर, और लाल किला क्या है? सार्वजनिक भवन, उस पर देश के प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं। देखो यहाँ पर भी क्या है, ये तिरंगा झंडा यहाँ पर कौन फहरा रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले पर तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं इस फोटो में, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, गांधी जयंती और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी सार्वजनिक भवनों पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, ठीक है। हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं, हमें अपने राष्ट्रीय झंडे तिरंगे पर गर्व है। इसकी रक्षा के लिए हमें अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए? हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि हम सब इस भारत के
नागरिक हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके शब्द अर्थ। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मतलब जो हमारे राष्ट्र से संबंधित है, और हमारा राष्ट्र कौन सा है? भारत। संपन्नता, संपन्नता मतलब अमीरी। सम्मान करना किसी का, किसी को आदर या इज्जत देना। ध्वज का मतलब होता है झंडा। सूचक, किसी को सूचना देने वाला। गर्व करना, किसी का अभिमान करना। हमें अपने झंडे पर गर्व है, हमें भारतीय होने पर गर्व है। ठीक है, साहस, साहस मतलब हिम्मत। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मतलब आज़ादी। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे इसका बुकवर्क। सेकंड नंबर पे क्या दिया है, हमें मिलान करना है। तिरंगा, तिरंगा क्या है? झंडा। चरखा किसके पास था? महात्मा गांधी। सार्वजनिक क्या है हमारे? भवन। चक्र कहाँ से लिया है? अशोक का स्तंभ। और गणतंत्र दिवस कब आता है? 26 जनवरी को। ठीक है, उसके बाद है सही कथनों को चुनकर उनके आगे सही का निशान लगाइए। भारत के राष्ट्रीय झंडे में ऊपर से नीचे तक इस क्रम से तीन रंग है। कौन से तीन रंग है? केसरिया, सफ़ेद और हरा। तो कहाँ लिखा है? केसरिया, सफ़ेद और हरा। तो हमने इसको सही का निशान लगाना था। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज 26 जनवरी को ताजमहल पर फहराया जाता है। ताजमहल नहीं, दिवाली, दीपावली के दिन मंदिरों पर फहराया जाता है। नहीं, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व नहीं है। सभी राष्ट्रीय पर्वों पर सार्वजनिक भवनों पर फहराया जाता है। तो ये सही है। ठीक है, उसके बाद हमने ये वाला पोर्शन जो है फोर्थ, ये हमें नहीं करना, इसे हम छोड़ेंगे इस बार। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ नंबर पे, खाली स्थानों का सही शब्दों में भरिए। हमारे राष्ट्रीय झंडे में तीन रंग हैं, इसीलिए हम इसे तिरंगा झंडा कहते हैं। चक्र को सम्राट अशोक के स्तंभ से लिया है। ध्वज का सफ़ेद रंग हमारे मन में सत्य, शांति और पवित्रता की भावना को जगाता है। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, और अब ये लास्ट में क्या है, यहाँ पर जो शब्द हैं, हमें जो सही शब्द लिखे हैं उन पर निशान लगाता है। राष्ट्रीय, देखो ट के पैर में र की मात्रा आनी थी, है ना, तो ये वाला सही है। ध्वज, ध आधा आना था, पूरा नहीं आना था। ठीक है, ध्वज। स्तंभ, ब नहीं होता, भ होता है। ठीक है, चिन्ह, चिन्ह को ऐसे नहीं लिखते बेटा, चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, ह पहले आता है और न बाद में आता है। गणतंत्र, इसमें न ये वाला आएगा, जीरो वाला। ठीक है, गणतंत्र। विशेष, तो ये ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे शुद्ध और अशुद्ध शब्द। अब हमको क्या करना है, हमको ये पाठ जो है, पाठ आठ, इसको पढ़ना है। इसके जो शब्दार्थ हैं उन्हें अपनी सुंदर सुंदर कॉपी पर लिखना है, अपनी हैंडराइटिंग में, सुंदर हैंडराइटिंग में, और इसका बुकवर्क भी अपनी बुक में फिल करना है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।